प्रेपोजिशन कौन से पार्ट से यूज होता है? तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. प्रीपोजिशन एक्चुअली एक रिलेशन शोइंग वर्ड होता है, एक ताल्लुक बताने वाला लफ्ज होता है, जो क्या करता है कि किस जुमले में किसी भी नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक जुमले के दीगर अल्फाज के साथ बताता है, ठीक है, डिफरेंट अदर वर्ड्स के साथ तो उसके रिलेशन को शो करता है, ठीक है. लाइक अगर हम बात करें द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो यहाँ पर जो कैट है, ठीक है, सो दैट कैट इज अ नाउन. यहाँ पर जो कैट है वो कैट एक नाउन है, एंड देयर इज अ टेबल, और यहाँ पर जो टेबल एक वर्ड है. अब इस नाउन कैट का टेबल के साथ क्या कनेक्शन है, इसका क्या रिलेशन है, ये आपको पता लगता है इस वर्ड ऑन से, कि अगर कोई टेबल मौजूद है, इफ देयर इज अ टेबल एनीवेयर, ठीक है, अगर कोई टेबल मौजूद है तो कैट जो है वो उस टेबल के ऊपर मौजूद है, ऑन दैट इज. ओके, सो रिलेशन शोइंग वर्ड जो है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन. ओके, सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन. दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन जोड़ता है ये. अच्छा, टाइप्स की जब बात करें प्रेपोजिशन की, तो इसमें हमारे पास तीन टाइप्स के प्रेपोजिशन होते हैं. फर्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, वो प्रेपोजिशन जो टाइम को बताते हैं, टाइम को रिलेट करते हैं. सेकंड है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, वो प्रेपोजिशन जो प्लेस को, जगह के बारे में बताते हैं, प्लेस के बारे में, पोजिशन के बारे में. और थर्ड है फ्रेजल प्रेपोजिशन. फ्रेजल प्रेपोजिशन ये एक्चुअली ये दो तरह के होते हैं, या तो ये होते हैं वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, या फिर ये होते हैं एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन, ठीक है. तो वर्ब के साथ या एडजेक्टिव के साथ अगर प्रेपोजिशन अगर अटैच हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड फ्रेजल प्रेपोजिशन, ठीक है. जैसे लुक आफ्टर, या लुक एट, या लाफ एट, इसमें आप देख सकते हैं कि लुक, लव और फिर ये लाफ, ये आपके पास वर्ब्स हैं और इनके साथ जो आर्टिकल लगा है आफ्टर एट, ठीक है, सॉरी आर्टिकल कह रहे हैं, प्रेपोजिशन लगा है, तो जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये कहलाता है फ्रेजल प्रेपोजिशन, जिसमें प्रेपोजिशन से पहले या तो कोई एडजेक्टिव आ रहा होता है या फिर कोई वर्ब आ रहा होता है, ठीक है. ये तीन टाइप्स के प्रेपोजिशन हमें पता होने चाहिए सिंपल इनके बारे में. तो अब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को, और उसके अलावा फ्रेजल प्रेपोजिशन को, ठीक है. अच्छा, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के प्रेपोजिशन को बताने के लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पर तीन तरह के प्रेपोजिशन बहुत फेमस होते हैं. एक होता है आपके पास एट, दूसरा आपके पास होता है ऑन, और तीसरा आपके पास होता है इन, ठीक है. तो एक तरह से कहा जाता है कि ये मैं इस ऑर्डर में एट, ऑन और इन का इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का. एट वक्त के एक बहुत छोटे दौरानिए के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑन सिंगल डे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इन लॉन्गर पीरियड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. अब इसको देखें एक एक करके, मैं तीनों को डिस्कस करता हूँ. फर्स्ट इज एट, एट के काफ़ी ये चार इस्तेमाल आते हैं एट के. एट हम इस्तेमाल करते हैं घड़ी के किसी वक्त के साथ, क्लॉक टाइम के साथ, जैसे है ना घड़ी में जो टाइम हो रहा होता है, जैसे एट 7 o'clock, एट 9:30 PM, एट 6:15, एट 7:45, एट 7:30, ठीक है. तो घड़ी का जो भी वक्त होता है, जैसे आई विल स्टार्ट माई क्लास एट 2 o'clock, ठीक है ना, आई विल फिनिश माई क्लास एट 3 o'clock, तो जब भी कोई घड़ी का वक्त आता है, क्लॉक टाइम आता है, तो उससे पहले हम एट इस्तेमाल करते हैं. सेकंड यूजेज एट का, कि किसी वर्ड के फौरन बाद अगर टाइम लिखा हो तो उससे पहले भी एट आता है, जैसे एट लंच टाइम, ठीक है, वी ईट अवर लंच एट लंच टाइम, वी प्ले विथ अवर फ्रेंड्स एट ब्रेक टाइम, वी स्टडी एट ट्यूशन टाइम. तो दिस इज, तो किसी वर्ड के फौरन बाद अगर टाइम लगा हो तो उससे पहले भी हम एट लगाते हैं, ठीक है. उसके बाद एट द वीकेंड, ठीक है, तो वीकेंड से पहले भी हमारे पास एट आता है, दैट इज एट द वीकेंड. वीकेंड से मुराद क्या होते हैं, दैट इज आपका जो है वो सैटरडे संडे, दैट इज कॉल्ड वीकेंड, ठीक है. तो उसके साथ हमेशा एट लगाते हैं, एट द वीकेंड, जैसे वी गो टू अवर अंकल्स होम एट द वीकेंड, इस तरह से, ठीक है. अच्छा, ये जो ये वाला जो रूल है एट द वीकेंड लगाने का स्टूडेंट्स, ये जो रूल है, ये रूल है आपका ब्रिटिश रूल है, यूके, ठीक है. ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि वो एट द वीकेंड कहते हैं, ये अमेरिकन्स डिफरेंट करते हैं. अमेरिकन्स एट द वीकेंड नहीं कहते, वो कहते हैं ऑन द वीकेंड, ठीक है. तो चूंकि हमारा जो एप्टीट्यूड का सिलेबस होता है वो भी हमारा ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करता है, इस वजह से हम जो है वो एट द वीकेंड लगाते हैं, ठीक है, ऑन द वीकेंड नहीं. इस तरह से पब्लिक हॉलीडेज जो एक दिन से ज़्यादा के होते हैं उनके साथ भी हम एट लगा रहे होते हैं, जैसे एट ईद उल फितर, एट आशूरा, एट ईद उल अजहा,
ये 3 days के या 2 days के, इसके हमें हॉलीडेज हमें मिल रहे होते हैं, 4 days के भी मिल रहे होते हैं, दैट इज वो हॉलीडेज जो एक दिन से ज्यादा के होते हैं उनके साथ हम एट लगाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द यूजेज ऑफ एट फॉर शोइंग टाइम। ओके, थिंग्स आर क्लियर और यू हैव एनी डाउट इन इट? सो देयर इज नो डाउट हियर। द फर्स्ट प्रेपोजिशन एट, एट को कहाँ का इस्तेमाल करते हैं? सिंपल रूल्स हैं, क्लॉक टाइम से पहले, किसी लफ्ज में टाइम लिखा है तो उससे पहले, वीकेंड से पहले और पब्लिक हॉलीडेज से पहले, ठीक है, जो एक दिन से ज्यादा के होते हैं। सो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन श्योरली आस्क ऑन चैट। आई विल स्टॉप एंड ट्राई टू एक्सप्लेन योर आंसर। ओके, द नेक्स्ट इज ऑन, ठीक है। ऑन का इस्तेमाल करते हैं, ऑन का बस एक ही इस्तेमाल है, ठीक है, सिंगल डे के साथ। एक दिन अगर है, सिंगल डे से मुराद कि एक दिन जो कि कितने घंटे का, 24 hours का है, तो 24 घंटे का जो एक दिन होता है तो उसके साथ हमेशा हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। वन डे को अलग अलग अंदाज से हम लिख सकते हैं, जैसे कोई डेट के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे ऑन 14th of March आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन द 14th of March, या फिर आई विल गो देयर ऑन मंडे, या देयर विल बी अ हॉलीडे ऑन इकबाल डे। एक दिन की छुट्टी, एक ही दिन की, इकबाल डे मतलब नॉन नवंबर एक ही दिन होता है, या आई विल सेलिब्रेट ऑन माई बर्थडे। तो ये सारे के सारे डेज, अगर आपको अगर कोई डेट लिखा हो, कोई डे का नाम लिखा हो, इकबाल डे, ईद डे, लेबर डे लिखा हो, माई बर्थडे, हर इंगेजमेंट डे, हिज वेडिंग डे, इन सब से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑन लगाते हैं, बिकॉज ये सब 24 घंटे के एक दिन है। अच्छा, इसमें दो एक्सेप्शन हैं जो रूल के खिलाफ हो जाएंगे, कि टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये भी एक ही दिन के बारे में बताते हैं, कि आज का दिन, कल आने वाला दिन और गुज़िश्ता दिन, ये भी 24 आवर्स के होते हैं, लेकिन हम इनसे पहले कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम कभी भी नहीं कहते हैं कि देर विल बी अ सी वर्क ऑन टुमारो, हम बस ये कहते हैं देर विल बी अ क्लास वर्क टुमारो, आई विल टीच यू टुमारो, हम ये नहीं कह सकते आई विल टीच यू ऑन टुमारो। हम कहते हैं आई टॉट यू आर्टिकल यस्टरडे, हम ये नहीं कहते आई टॉट यू आर्टिकल ऑन यस्टरडे। तो इन सबसे पहले ऑन नहीं आता, ये दैट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन है कि अगर इन तमाम डेज के नाम के साथ, मतलब जो डेज लिखे होते हैं उनके साथ अगर आपके पास क्या आ जाए, कि अगर आपके पास उनमें से ओके, अगर आपके पास डेज के नाम लिखे हैं और उनमें क्या आ जाए कि डेज के नामों के साथ नेक्स्ट, उससे पहले नेक्स्ट, लास्ट या एवरी आ जाए, ठीक है, तो फिर उस सूरत में भी हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते ऑन। जैसे आई वी वेंट टू अ पिकनिक लास्ट संडे, या आई विल विजिट योर होम नेक्स्ट मंडे, उससे पहले नॉर्मली ऑन इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। अगर ये भी 24 आवर्स का एक डे, लेकिन नेक्स्ट, लास्ट और एवरी, ये वर्ड जब आ जाते हैं तो फिर इनके बाद अगर कोई डे का नाम लिखा हो तो पहले हम ऑन नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। सो दिस इज अबाउट ऑन, ठीक है। इफ यू हैव एनी इशू यू कैन टेल मी। ऑन के इस्तेमाल बस एक ही यूज है जो होता है ऑन का, और कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये सिंगल डे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव इन, ठीक है। इन जो है वो लॉन्गर पीरियड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक दिन से बड़े जितने भी वक्त होते हैं उनके साथ हम इन इस्तेमाल करते हैं, मतलब मोर देन 24 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल जो मंथ्स हैं उनके साथ इन इस्तेमाल करेंगे, इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त। सीजन्स होते हैं वो एक दिन से बड़े ही होते हैं, इन द समर, इन द विंटर, इन द ऑटम, इन द स्प्रिंग, ठीक है, ये सारे। अच्छा, ऑटम जो सीजन है, दैट इज जो ऑटम हम कहते हैं, ऑटम मतलब खिजा का मौसम या पतझड़ का मौसम, ठीक है। बट ये जो ऑटम कहा जाता है ना, दिस इज इन ब्रिटिश इंग्लिश, ये जो ऑटम हम कहते हैं दिस इज इन ब्रिटिश, मीन्स यूके। तो क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन क्या कहते हैं इस मौसम को, ऑटम को, इन अमेरिकन इंग्लिश व्हाट वी से ऑटम? जैसे अमेरिकन इन द ऑटम नहीं कहेंगे कि वी विल स्टार्ट अवर सिलेबस इन द ऑटम, वो कुछ और कहते हैं। एनीबडी नो? So what is autumn in British English? Sorry, American English. British mein to autumn hi hai.
ओके नोबडी नोज आई थिंक देयर इज नो आंसर क्या हो गया सब ओके नो आइडिया अच्छा अमेरिकन इसको कहते हैं दे कॉल इट फॉल फॉल कहते हैं फॉल सीजन फॉल मतलब होता है गिरना पत्तों का गिरना दैट इज फॉल सीजन जैसे जो यूनिवर्सिटी होती है ना जो दो साल में दो एडमिशन देती है वैसे तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी साल में एक एडमिशन देती है दैट इज स्प्रिंग बाहर के मौसम में स्प्रिंग सेमेस्टर उसको हम कहते हैं एनईडी दाओ मेडिकल कॉलेज जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं गवर्नमेंट के ज्यादातर वो एक ही बार एडमिशन देते हैं जो आपका नवंबर या अक्टूबर या सितंबर इस तरह से एडमिशन होता है तो वो कहलाता है स्प्रिंग सेमेस्टर क्योंकि बाहर के मौसम में होता है इसी तरह से कुछ जो है वो यूनिवर्सिटीज जो है वो साल में दो बार एडमिशन देती हैं जैसे SMIU फिर मदरसा यूनिवर्सिटी तो वो साल में दो एडमिशन आते हैं एक बार इसके जो है वो इस तरह से फरवरी मार्च में भी आते हैं एडमिशन इसके फिर वो उसको कहते हैं फॉल सेमेस्टर फॉल मतलब वो पतझड़ के मौसम में आता है ऑटम में आता है तो लिखा होता है आपने अखबारात में देखा होगा फॉल सेमेस्टर स्प्रिंग सेमेस्टर इस तरह से अच्छा अच्छा इनका इस्तेमाल लॉन्गर पीरियड्स के साथ होता है मतलब एक बड़े वक्त के साथ और उसके अलावा पार्ट ऑफ द डे के साथ भी हम इन इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब दिन के एक हिस्से के साथ देखें ऑन हो गया ऑन कब हो गया कि ऑन मतलब एक दिन के लिए अगर एक दिन से ज्यादा अगर हो अगर डे तो फिर हम इन इस्तेमाल करते हैं अगर एक दिन से कम हो जाए तब भी हम इन इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा प्रेसाइज हो जाए एक घंटे पर आ जाए अगर तो फिर उस वक्त में हम क्या इस्तेमाल करते हैं एट इस तरह से हम ये लॉजिक को बनाएंगे ठीक है तो ऑन के तो 24 आवर्स के लिए और अगर लॉन्गर पीरियड्स हो जाए तो इन अगर एक दिन के अंदर भी आपके पास बहुत सारे टाइम आते हैं सुबह होती है शाम होती है ठीक है दिन है रात है तो इनके साथ भी हम इन इस्तेमाल करते हैं पार्ट ऑफ द डे के साथ जो 24 आवर्स से कम के हैं ठीक है अब एग्जाम्पल्स देखें अच्छा इसमें एट और इन जो है ना वो अलग अलग तरह से किसी में एट और किसी में इन इस्तेमाल होता है जैसे बिल्कुल सुबह शादी का वक्त होता है तो डस्क इसको हम कहते हैं सॉरी डस्क नहीं कहते हैं उसको सुबह शादी का जो वक्त होता है उसको हम लोग कहते हैं डॉन ठीक है डॉन मतलब फजर का वक्त जो होता है इसलिए हम फजर की नमाज को डॉन प्रेयर कहते हैं एट डॉन डॉन के साथ एट लगाते हैं उसके बाद सुबह होती है तो इन द मॉर्निंग उसके बाद 12 बजे का जो वक्त होता है उसको हम कहते हैं एट नून उसके बाद 12 बजे के बाद सिर्फ उसके बाद जो है वो जो टाइम शुरू हो जाता है दैट इज आफ्टरनून दोपहर का वक्त उसके बाद शाम होती है तो इन द इवनिंग उसके बाद डस्क गुरु आफ्ताब का वक्त होता है तो एट डस्क रात होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एट नाइट ठीक है और इस तरह से जब आधी रात हो जाती है तो सूरत में उसको हम कहते हैं मिड नाइट तो नॉर्मली इस तरह से आप ये देख लें कि जब आपके पास जब अंधेरा दिन हो मतलब जब रोशनी आपके पास हर सुबह फैली होती है तो उस वक्त हम इन लगा रहे होते हैं वक्त के साथ एट को छोड़कर बाकी अंधेरे के टाइम में ज्यादातर हम हर जगह पर एट ही लगा रहे होते हैं ठीक है एट नाइट एट मिड नाइट एट डस्क ठीक है एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर है एक्सेप्शन इस तरह से है कि अगर इस तरह कहा जाए ना संडे मॉर्निंग या संडे नाइट या मंडे इवनिंग तो उस तरह से बच्चे क्या कर देते हैं कि आप संडे मॉर्निंग के वो समझ सुबह है तो कहते हैं इन द संडे मॉर्निंग जैसे वी विल गो टू अवर अंकल होम इन द संडे मॉर्निंग नहीं तो आप मॉर्निंग को देखकर इन ना लगाएं बल्कि संडे को देखकर आप यहाँ पर ऑन लगाते हैं ठीक है आई विल विजिट माई अंकल्स होम ऑन संडे मॉर्निंग आई विल टीच यू ऑन संडे नाइट ठीक है तो एट संडे नाइट नहीं हो गई सही है तो अगर डे के साथ अगर मॉर्निंग और नाइट इस तरह से लिखा हो तो फिर हम संडे के एतबार से ऑन लगा रहे हो तो देर आर टू यूजेज ऑफ इन लॉन्गर पीरियड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं पार्ट ऑफ द डे के साथ इस्तेमाल करते हैं जब पार्ट ऑफ द डे के साथ इस्तेमाल करते हैं तो एट और इन कहीं पर एट और कहीं पर इन इस्तेमाल करते होते हैं ठीक है एनी इशू हियर एवरीथिंग इज क्लियर ओके दैट्स गुड सो जस्ट वी हैव दिस फिल द ब्लैंक्स तो ये 10 MCQs हैं इनमें आप फिल करें एट ऑन और इन I'm just giving you 5 minutes to solve it. इससे पहले भी आप कर सकते हैं करके मुझे बताएं ये सारे सॉल्व करें कॉपी में कहीं एट इन और ऑन में से क्या लगेगा
ओके शहरयार का हो गया, मुमना ने भी कर लिया। सैयद हसन का भी हो गया। ठीक है नाउ कुलसुम शकील सना अरशद ताहा फुरकान सभी ने कर लिया। ओके सो लेट्स चेक द आंसर्स हियर। आई वाज बोर्न डैश जून 1991। अब चूंकि मंथ है तो आई वाज बोर्न इन जून 1991। ही केम टू मी डैश मंडे, पार्टिकुलर डे है, वन डे है। फिर ऑन इस आई विल विजिट यू डैश द मॉर्निंग, आई विल विजिट यू इन द मॉर्निंग। आई एट पिज्जा डैश नाइट। अच्छा यहाँ देखें कि नाइट से पहले आप जो है वो इन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नाइट से पहले आप एड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हर रात की बात की जाए, अगर बात की जाए एवरी नाइट की, ठीक है, अगर बात हो रही हो एवरी नाइट की, हर रात की अगर बात हो रही हो तो सूरत हम क्या करेंगे, एवरी नाइट के लिए हम जो है वो सूरत में एट इस्तेमाल करेंगे। और किसी स्पेसिफिक नाइट की बात की जा रही हो तो सूरत में हम क्या करेंगे कि इन इस्तेमाल करें। जैसे आई एट पिज्जा डैश नाइट, मैंने रात में पिज्जा खाया, तो जब ये पास्ट सिंपल टेंस जब आ जाता है ना, दूसरे में हम क्या करते हैं इन द नाइट कर देते हैं कि मैंने किसी खास रात में पिज्जा खाया जो इन द नाइट। और आई ईट पिज्जा डैश नाइट, मैं रात में पिज्जा खाता हूं, तो हर रात की बात की जा रही है तो यहां पर हो गया एट नाइट। ठीक है तो नाइट के साथ इन द नाइट भी हो सकता है, एट नाइट भी हो सकता है। द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट डैश 7 o'clock, तो ये हो जाएगा आपके पास एट 7 o'clock। He will wear new dress dash her birthday, तो ये सिंगल डे है तो ऑन हर बर्थडे। Schools will remain closed dash लेबर डे, चूंकि सिंगल डे है तो ऑन लेबर डे। It rains in Pakistan dash the summer season, तो यहाँ पर चूंकि longer period है in the summer season। Zulfiqar Ali Bhutto was hanged to death dash 1974, अब चूंकि longer period है इसलिए यहाँ पर भी इन आएगा आपके पास। ठीक है सो these आर द 10, तो आई थिंक गलती आपने यहाँ 4 और 5 में कहीं की होगी, अगर होगी तो ठीक है, एनी प्रॉब्लम। फोर्थ ओके, हाँ यहाँ यही मसला होता है क्योंकि इन द नाइट और एट द नाइट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता नॉर्मली स्टूडेंट्स को। ओके ऑल राइट, तो नेक्स्ट उसके बाद अब हम आते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पर। ठीक है, जगह को बताने वाला जो प्रेपोजिशन हमारे पास होते हैं उस पर बात करते हैं। तो जब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करें तो यहाँ पर हमें चार्ट होता है, उस चार्ट से हमें समझना पड़ता है, उसको समझे जरा इस, और इस चार्ट को जो है वो अपने माइंड में आप उसको एब्जॉर्ब करें कि इसमें से जो है आपको काफी सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं डिफरेंट, और डिफरेंट प्रेपोजिशन लिखे हुए हैं। अब कहाँ कौन से इस्तेमाल करते हैं इस बारे में मैं बात करूंगा। तो ये जो आपके पास तीन रॉस दिख रहे हैं, इनमें से एक पॉइंट है, एक लाइन सरफेस है और एक वॉल्यूम है। ठीक है, पॉइंट को क्रॉस से शो किया जा रहा है, लाइन या सरफेस को हम एक रेड लाइन से शो कर रहे हैं और वॉल्यूम को हम एक रेड बॉक्स से शो कर रहे हैं। देखें वॉल्यूम हर वो चीज जो बॉक्स एरिया हो, लेंथ ब्रेथ हाइट जिसकी हो, मतलब हर वो चीज जो कि चार तरफ से या तीन तरफ से बंद हो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कोई बॉक्स। लाइन या सरफेस मतलब कोई प्लेन ऑब्जेक्ट जैसे किताब हो गई या टेबल हो गई या चेयर हो गया या फ्लोर हो गया या रूफ हो गई, ये सारे लाइन या सरफेस। पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइन और वॉल्यूम ना कहला सके, जो ना हो तो कह सकते हैं कि बॉक्स हो और ना तो वो प्लेन सरफेस हो, तो फिर वो चीज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाती है। ठीक है, उसको हम क्रॉस से शो करें, जैसे कि डोर, दरवाज़ा। तो दरवाज़ा जो होता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, चूंकि ना ही हम उसको एक बॉक्स कंसिडर कर सकते हैं ना ही हम उसको जो है वो एक प्लेन ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है,
अब तो ये तो मैंने आपको बताया पॉइंट क्या चीज है, लाइन क्या चीज है और वॉल्यूम क्या चीज है, ठीक है। दूसरी चीज है डेस्टिनेशन और पोजीशन। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, मोशन, मूवमेंट। अगर कोई चीज किसी तरफ, किसी की मंजिल है, कहीं पर कोई चीज जा रही है मोशन में, मूवमेंट में, ठीक है, तो दैट इज डेस्टिनेशन। और द नेक्स्ट इज यस, देयर इज अ पर्सन आईफोन के नाम से जो आईडी है, ठीक है। सो आई थिंक योर वीडियो इज शोइंग ऑन, सो आई एम जस्ट क्लोजिंग इट। कनेक्ट विथ आरडीओ करना पड़ेगा, ठीक है, आईफोन के नाम से जो आईडी है। सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दैट के पॉइंट क्या था, लाइन क्या है और वॉल्यूम क्या चीज होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डेस्टिनेशन और पोजीशन मैंने बताया। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, कुछ चीज मूवमेंट कर रही है, और पोजीशन मतलब कुछ चीज रेस्ट में, ठीक है। तो डेस्टिनेशन और पोजीशन पे ये डिफरेंस है। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल वो मकाम, और पोजीशन मतलब कुछ चीज रेस्ट पर है, ठीक है, मकाम। अच्छा, नीचे फिर ये, अच्छा ये जो शुरू के दो है डेस्टिनेशन पोजीशन, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये पॉजिटिव से मुराद जब करीब कोई चीज आ रही हो, जब कोई चीज करीब हो, और नेगेटिव मतलब जब कोई चीज दूर जा रही हो या फिर मौजूद दूर हो। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से हम इस एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो अब हर बॉक्स के अंदर मैंने एक आर्टिकल, एक प्रेपोजिशन को इस तरह से एक्सप्लेन किया है। जैसे अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट के करीब कोई चीज आ रही हो मोशन करते हुए, डेस्टिनेशन पॉइंट ऑब्जेक्ट हो किसी भी चीज का, तो उस वक्त हम जो आर्टिकल, जो हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं वो टू होता है। जैसे दरवाजा है, दरवाजे की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, या मैं दरवाजे की तरफ जा रहा हूं, तो मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू द डोर। टू इसलिए कहते हैं बिकॉज डोर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाऊं, तो मैं कहता हूं आई एम एट द डोर, या समबडी इज एट द डोर, जो कि अब ये पोजिशन है रेस्टिंग में, ठीक है। अच्छा, अब दरवाजे से वापस अगर मैं रूम की तरफ जा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि आई एम कमिंग फ्रॉम द डोर, या ही इज कमिंग फ्रॉम द डोर, चूंकि डोर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इस तरह अवे फ्रॉम, जब कोई चीज दूर मौजूद हो, ठीक है, किससे भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट से। आई एम अवे फ्रॉम द डोर, ये द स्टूडेंट्स आर अवे, स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द डोर, के तालिबे दरवाजे से दूर खड़े। ये हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिहाज से टू, एट, फ्रॉम और अवे फ्रॉम, जो चार आपके पास प्रेपोजिशन आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से अगर हम बात करें लाइन या सरफेस की, तो आप यहाँ पर सरफेस, अगर सरफेस पर कुछ चीज मूव करते हुए आ रही है, डेस्टिनेशन उसकी सरफेस है किसी चीज की, ठीक है, तो वो है ऑन टू। जैसे कि अगर कोई बिल्ली है, वो समझ जाए कि जो बिल्ली है वो मौजूद थी छत के ऊपर, और छत से उसने टेबल पर छलांग लगा दी, तो उसने अपना प्लेन या सरफेस चेंज किया, तो हम कहते थे कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, क्योंकि वो मूव करते हुए टेबल पर आई है, प्लेन ऑब्जेक्ट पर। अगर वो बिल्ली प्लेन ऑब्जेक्ट पर ही बैठी रहे, मूव ना करे, मौजूद हो प्लेन ऑब्जेक्ट, उसका प्लेन चेंज ना हो रहा हो, तो हम कहते थे कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, फिर वो ऑन कहलाता है, या ही इज लाइंग ऑन हिज बेड, जब अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। क्योंकि इंसान भी जब लेटता है, तो फिर क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्लेन सरफेस के ऊपर होता है। अच्छा, अगर कोई चीज मूव करते हुए अगर ऊपर की तरफ जा रही हो, प्लेन ऑब्जेक्ट से दूर जा रही हो, नेगेटिव मतलब, तो फिर उस वक्त में ऑफ लगाते हैं, जैसे द एरोप्लेन वेंट ऑफ द रनवे, कि एरोप्लेन जो है वो रनवे से दूर चला गया, ऑफ मतलब, क्योंकि वो प्लेन ऑब्जेक्ट छोड़ के ऊपर जा रहा होता है। और अगर कोई चीज ऊपर ही मौजूद हो, तो फिर ऑफ उस सूरत में भी कहते हैं, अगर पोजीशन में, जैसे द मून इज मूविंग ऑफ द अर्थ, कि चांद जो है वो जमीन से दूर मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑफ इसलिए कहेंगे क्योंकि दूर मौजूद है। इस तरह से अगर कोई चीज, जैसे होली कुरान है, मुकद्दस कुरान पाक है, वो जाहिर सी बात है कि हम उसको अपने फर्श से दूर रखते हैं, ऑफ रखते हैं, तो हम कहते हैं होली कुरान इज ऑफ द फ्लोर, क्योंकि वो मौजूद होता है ऑफ पोजीशन पे, ठीक है। ये सिंपल आप इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब बॉक्स, अगर कोई चीज मूव करते हुए बॉक्स के अंदर आ रही हो, तो फिर इनटू, ठीक है। जैसे द कैट जंप्ड इनटू द बकेट, कि बिल्ली ने बाल्टी में छलांग लगा दी, क्योंकि वो बाहर से अंदर गई बॉक्स के अंदर। मैंने बताया बॉक्स क्या चीज होती है, जो चार तरफ से बंद हो या फिर तीन तरफ से बंद हो, उस चीज को हम लोग कहते हैं बॉक्स, ठीक है। इन, इन किसे कहेंगे भाई, इन क्या, कि जब कोई चीज अंदर ही मौजूद हो बॉक्स के, जैसे आई एम स्लीपिंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में सो रहा हूँ,
अच्छा अगर ये भी हो ना कि आई एम वॉकिंग इन माई रूम, तो बच्चे कहते सर ये तो इनटू हो जाएगा चूंकि मोशन हो रही है, बट ये मोशन उस बॉक्स से बाहर नहीं हो रही है। देखिए इनटू उस वक्त होगा जब कुछ चीज बाहर से मूव करते हुए अंदर जाए बॉक्स के, अगर बॉक्स के अंदर ही मूवमेंट हो रही है किसी भी चीज की, ठीक है, अगर ये बॉल मौजूद है या फिर कोई भी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपके पास मौजूद है और ये इसके अंदर ही मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसके मूवमेंट करने से हम इन्हीं कहेंगे। जैसे द चाइल्ड इज रनिंग इन द रूम, क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहा, और ये चीज अगर बाहर निकल जाए तो फिर हम कहते हैं आउट ऑफ, ठीक है। जैसे द फ्रॉग जंप्ड आउट ऑफ द पॉन्ड, के मेंढक ने तालाब से बाहर छलांग लगाई, तो आउट ऑफ। अगर कोई चीज पहले से बाहर ही मौजूद हो तो वो भी आउट ऑफ ही है। द स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ द क्लास, अगर वो क्लास के बाहर खड़े हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, एट, ऑन, इन, इनटू, ये सब के मैंने आपको यूजेज बताए। तो आई थिंक इट इज क्लियर, इट इज सो सिंपल टू कॉम्प्रीहेंड। Any problem so far? So, ये चार्ट आपको समझ में आया, इसमें मैं क्या बताने की कोशिश की आपको? बहुत सिंपल विजुअलाइजेशन है ये, विजुअल्स के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। ओके, सो दैट इज सो सिंपल राइट नाउ, देर इज नो इशू एट ऑल। अच्छा, हमारे यहाँ नॉर्मली जो है ना वो प्रेपोजिशन पढ़ाने का एक सिंपल अलग सा तरीका होता है, उसमें हम लोग कहते हैं कि ऑन का मतलब होता है पर, इन का मतलब होता है में, फॉर का मतलब होता है के लिए। तो इस तरह से कभी भी जो है ना वो आर्टिकल हम नहीं, प्रेपोजिशन हम नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये रूल हर जगह पर फेल हो जाता है। जैसे हम प्राइमरी लेवल बचपन से हम उर्दू के थ्रू जो है वो प्रेपोजिशन को पढ़ते आए हैं, तो ये तरीका ठीक नहीं होता, जबकि इट इज़ नॉट अ करेक्ट वे टू डू सो। अच्छा, अब इसके बाद फिर और कुछ प्रेपोजिशन हमारे पास होते हैं प्लेस के। जैसे अगर कोई चीज ऊपर जा रही है सीढ़ियों से, इस तरह से, तो कहते हैं कि ही इज मूविंग अप द स्टेयर्स। कोई चीज नीचे आ रही है तो हम कहते हैं ही इज मूविंग डाउन द स्टेयर्स। अगर कोई चीज किसी बैरियर को पार करके ऊपर से फ्लाई करते हुए जा रही है तो ओवर, कहते हैं ओवरहेड ब्रिज। या ही इज क्लाइंबिंग ओवर द वॉल, अगर कोई लड़का छलांग मारे दीवार से और दीवार को फैलांगता हुआ आगे चले जाए तो उसको हम कहते हैं उसको ओवर। ही क्लाइम्ब ओवर द वॉल, द थीफ क्लाइम्ब ओवर द वॉल। ओके, अराउंड मतलब जो कुछ मूव करे किसी चीज के गिर्द, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, इस तरह से। या फिर अगर अक्रॉस किसे कहते हैं, कोई चीज पार करते हुए किसी चीज को जाए, जैसे द कि आई रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, क्या मैं सड़क पार करते हुए आगे गया, क्योंकि सड़क इस तरह से जा रही थी सीधी तो मैं सड़क को पार करता हुआ गया। अगर मैं सड़क के साथ साथ सीधा निकल जाता तो अलोंग, अगर मैं सड़क के साथ साथ सीधा जा रहा तो आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, और अगर मैंने सड़क को पार कर लिया तो आई एम वॉकिंग अक्रॉस द रोड। अच्छा, अगर कोई चीज किसी चीज के अंदर से चली जाए तो थ्रो, जैसे द ट्रेन पास थ्रो द टनल, कि ट्रेन जो है वो टनल से के थ्रू पास हुई है। थ्रो कब होता है, जब कोई चीज किसी चीज के इन साइड मूव करते हुए जाए। ये भी आपको मैंने फर्दर और अप डाउन ओवर अराउंड अक्रॉस थ्रो और अलोंग बताया, इनका यूजेज कहाँ कहाँ पर हम करते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि फ्रेजल प्रेपोजिशन कुछ हमारे पास होते हैं। तो फ्रेजल प्रेपोजिशन में दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन लगाते हैं, जैसे बेस्ड ऑन, बैड एट, अवेयर ऑफ, अटैच टू, एस्टोनिश्ड एट, क्रेजी अबाउट, कंटेंट विद, कॉन्शियस ऑफ, बहुत सारे हैं सारे। तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, ये जो ये कॉमन है, ये सारे होते तो और बहुत सारे हैं, बट ये कॉमन आपको इतने प्रेपोजिशन याद करने होंगे कि इन एडजेक्टिव्स के साथ यही प्रेपोजिशन आते हैं, इनके रूल्स नहीं होते हैं, इनको ट्रांसलेट नहीं कर सकते आप, बस आपको याद करना होता है कि एलिजिबल के साथ फॉर ही आएगा, ठीक है, लकी के साथ एट आएगा, लिमिटेड के साथ टू आएगा, फॉन्ट के साथ ऑफ आएगा, ठीक है। ये स्लाइड है, आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। देन उसके बाद ये तो फ्रेजल प्रेपोजिशन थे जिसमें एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन था, और कुछ में वर्ब के साथ प्रेपोजिशन होते हैं। यस ताह फुरकान, बस इतने से सर, हाँ इतना ही याद कर ले बस काफी होगा, दैट्स इनफ, ठीक है। मतलब वो मैंने कुछ बताया सिर्फ उसने जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं, ठीक है, होते तो बहुत सारे हैं, थाउजेंड्स में होते हैं, ठीक है, बट उतने आप याद नहीं कर सकते इस तरह से। अब इसके अलावा आपको ये भी याद करना है ना कि हमारे पास ये फ्रेजल वर्ब्स जो मौजूद हैं तो ये वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा हुआ है, जैसे टेक ऑफ, चेक ऑफ, रीड ऑफ, पास आउट, कैरी ऑन, मेक फॉर, रन ओवर, कीप टू, चेक बैक, कम बैक, ड्रो डाउन, ये सारे इनके साथ इनकी मीनिंग्स लिखी हुई है। तो ये आप उसको याद करें इस वाले चार्ट को भी कि किस वर्ड किस
वर्ब के साथ कौन सा जो है वो प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है। ये पीछे यहाँ पर हमने एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल किया और यहाँ पर हम वर्ब के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली पुट करना होता है, ठीक है ना, इसमें आपके पास रूल्स नहीं होते हैं, ये आपको रिमेम्बर करना होता है, जो फ्रेजल प्रेपोजिशन थर्ड वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एट द एंड हम ये यहाँ पर ये एक्सरसाइज करेंगे।